भागलपुर में एक तरफ जहां सरकार नशा मुक्त अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर खुलेआम छोटे छोटे बच्चों को नशे के जहर का पुड़िया गुटखा कंपनी बांटते दिख रही है। एक ताजा मामला भागलपुर के कोतवाली चौक का है। मां दुर्गा के विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान महक गुटखा कंपनी ने सैकड़ों बच्चों के बीच गुटखा की पुड़िया के रूप में जहर बांटने का काम किया। बताते चले कि जो भी बच्चे वहां मौजूद थे वह सभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। एक तरफ सरकार नशा मुक्त अभियान के तहत कयास लगाई हुई है कि बिहार नशा मुक्त हो, परंतु खुलेआम इस तरह सैकड़ों बच्चों के बीच महक गुटखा कंपनी जहर फैला रही है। मेले के दौरान बच्चों के बीच गुटखा बांटे जाने के क्रम में रफ्तार मीडिया की टीम ने वितरक से बात की। उनका सिर्फ ये कहना था कि हमारी कंपनी प्रचार के लिए इसे वितरित कर रही है। और शरबत खिला रहे हैं, हम तो शरबत खिला रहे हैं, आपको देखिए ना, आपको देख रहे हैं ना, शरबत खिला रहे हैं, महक में कंटिन्यू है, और उसके साथ पुड़िया भी मतलब फ्री कर रहे हैं, दे रहे हैं। सिंपल है, इतनी तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ सरकार तो इस पर रोक लगा रही है, आप इसमें इसको छोटे बच्चे से लेकर के सबको लक लगा रहे हैं। बच्चों को किसी को नहीं दिया गया, ये वीडियो तो बना हुआ है कि भाई छोटे छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं, दिए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जहाँ तक आपने खुद देखा है, उनको डांटा गया है, भगाया। जो हमारा मेन काम